Hello, good morning students. I am Rajesh Chaurasia. So today we are going to start our new topic of class 10, chapter number 13, magnetic effect of electric current ka new topic, magnetic field. So in last video we already discussed about the magnet. Magnet kya hota hai, kahan se discover hua, kaise discover hua, theek hai, kitni types ki magnet hoti hai. इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो मतलब जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अट्रैक्शन या जो रिपल्शन फोर्स होता है वो किस वजह से लगता है, या जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको मैग्नेट क्यों अट्रैक्ट करती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है और कहाँ तक वो उसको अट्रैक्शन या रिपल्शन कर सकती है उस मैग्नेटिक मटेरियल पर, कोई भी मैग्नेट. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो कोई भी देखो मैग्नेट कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को जो अट्रैक्शन और रिपल्शन करती है उसके पीछे एक रीजन होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो देखो यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई भी मैग्नेट जो होती है उसके अराउंड वो एक इन्फ्लुएंस जनरेट करती है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को हम उसके अंदर लाएंगे तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन करेगी, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी अट्रैक्शन और रिपल्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर. जैसे कि लेट अस कंसीडर मान लो कोई बार मैग्नेट है. ठीक है, हमारे पास कोई बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ. ठीक है, अब मान लो मैंने कोई यहां पर एक और मैग्नेट रखा जैसे कि मान लो नॉर्थ और साउथ, तो दोनों पोल्स अनलाइक पोल है तो क्या करेंगे अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट करेंगे. अब जैसे कि मान लो मैंने इस मैग्नेट को यहां से उठा के यहां पर रख दिया नॉर्थ और साउथ, तो ये मैग्नेट अब इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, ये वाली मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा. देखो ये डिपेंड करता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. जैसे कि हम फोर्स लगाते हैं ना, हमने क्लास 9th में पढ़ा है और लोअर क्लास में या इस, तो देखो जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, मान लो दो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा दें एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की डायरेक्शन, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये एक 50 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है और एक 40 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 50 न्यूटन वाले का, ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा. तो बिल्कुल इसका भी ऐसा होता है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी उधर वो वाली मैग्नेट अट्रैक्ट होगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा. ठीक है, तो अब देखो यहां पर जब मैग्नेट रखा था इस ए पोजीशन पे तब तो ये अट्रैक्ट हो रहा था, बट अब क्या हो गया कि अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा. तो देखो अब एक चीज बताता हूं मैं, देखो ये मैग्नेट जो होती है वो किसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन करती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. और मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है, एक देखो कुछ इमेजिनरी लाइन होती है जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो जो भी मैग्नेट होती है ठीक है वो अपने अराउंड एक इन्फ्लुएंस जनरेट करती है, उसी को हम क्या, यदि उस इन्फ्लुएंस मान लो इसने एक इन्फ्लुएंस जनरेट किया यहां पर ये ऐसे, मतलब इसमें यदि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो ये अट्रैक्शन और रिपल करेगा, उसको डिपेंड करता है उस नेचर के सी. तो मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा था तो क्या करता था इसको कि मैं बार मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रही थी, बट ये इसके फील्ड से बाहर इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया तो ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होगी. अब जैसे जैसे मैं इसको पास लाऊंगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन और क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. यदि मैं इस रेंज के अंदर ले आऊंगा, जैसे समझना सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ये मैग्नेट है इसके अराउंड जो स्पेस होता है वेयर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके अराउंड जो इसका प्रभाव होता है इन्फ्लुएंस होता है. अब देखो इसका इन्फ्लुएंस कैसा हो गया, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का, या तो देखो लाइक को जैसे मैग्नेटिक मटेरियल हुआ जो सभी को अट्रैक्ट करेगी, बट मान लो बार मैग्नेटिक लेके आ गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर सेम पोल क्या करेंगे रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे. तो अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट. तो मतलब जिस फील्ड में मतलब मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम रखते हैं तो वो एक क्या क्या करता है, एक फोर्स फील्ड करता है उसी
तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब ये समझ में आ गया आपको इसका मीनिंग। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है, मतलब इसकी रेंज कैसे हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि लेट अस कंसीडर, समझना मैं यहां पे खड़ा हूं, अब देखो मेरा हाथ जहां तक पहुंचेगा वहां तक क्या कोई भी सब्सटेंस को या कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं ले सकता हूं। मेरा हाथ जहां तक पहुंचे, जैसे कि मैं इस बोर्ड पे हाथ लगा सकता हूं, इस अब जैसे कैमरे तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा तो मैं कैमरे को हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे इन्फ्लुएंस से बाहर है, मेरी रेंज से बाहर है। तो बिल्कुल डिट्टो इसी तरह कैसे किसमें होता है, मैग्नेट में। यदि देखो उसके एरिया में यदि कोई भी मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम रखेंगे तो उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो वो चीज जैसे कि ग्रेविटी होती ना, देखो एक जैसे कि हमारे अर्थ के अराउंड क्या होता है, ग्रेविटी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंकते तो नीचे आती, बट यदि मान लो हम इस ग्रेविटी को पार कर जाएंगे तो क्या हमारे ऊपर अर्थ की ग्रेविटी लगेगी। मान लो हम स्पेस में चलेंगे तो फिर अर्थ की ग्रेविटी फील होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि हमने उसके क्राइटेरिया को पार कर दिया। तो इसी तरीके से यदि कोई भी मैग्नेटिक, मान लो मैंने कोई नेल्स रखी है तो ये क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। बट मान लो मैंने ये नेल्स यहां पर रखी तो ये नेल्स यहां रखी तो ये बी पोजीशन पे, तो ये इसके रेंज में नहीं है, तो ये ना तो इसको अट्रैक्ट कर पाएगी ना रिफिल कर पाएगी। पर ये तो आयरन की बनी है तो ये तो अट्रैक्ट नहीं करेगी, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी ये वाली मशीन। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है। तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया, मतलब कोई भी मैग्नेट अपने अराउंड एक इन्फ्लुएंस जनरेट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस रेंज से बाहर आ जाते हैं तब ये नहीं कर पाए। जैसे कि मान लो यहां भी मैंने कोई एक नेल्स रखी, तो ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट कर लेंगे ये मैग्नेट इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो मैग्नेट की या मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है ये किसकी वजह से जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा आई थिंक आपके। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किसकी वजह से होता है, तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, वो हम पढ़ेंगे अभी। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनके बारे में तो समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है, तो जो ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड में। अभी बताऊंगा मैं कि सब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे हम तो उसमें बताऊंगा कि डायरेक्शन क्या होती है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। देखो टेस्ला एक यूएस साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया और उन्होंने उसकी यूनिट दी। ठीक है, टेस्ला निकोल टेस्ला ये इंजीनियर थे। ठीक है, तो और इसको डिनोट किया जाता है टी, टेस्ला को टी से। और इसकी अदर्स यूनिट में मतलब इसकी छोटी यूनिट अदर्स यूनिट अदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, इसको डिनोट करते हैं जी से। और वन टेस्ला इक्वल टू होता है 10^4 गॉस। तो वन टेस्ला इक्वल टू होता है गॉस, जो कि एक किसी भी मैग्नेट के अराउंड प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को यदि हम रखते हैं तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट या रिपेल करती है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यदि उस रेंज से बाहर जा रहा है तो वो क्या करती है, उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाती। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब हम पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है ना, इट इज जनरेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस, द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेट के अराउंड क्या होती है, जो इमेजिनरी लाइन जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, और ये दिखती भी है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा था, तो वो भी क्या होती है, इमेजिनरी थी। तो यहाँ इसी उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ये दिखती भी है। ठीक है, देखो ये कैसे, अब यदि मैं बात करूं ये कैसे बनती है, देखो कंपास सभी ने देखा है कंपास, ठीक है हाँ। और यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, यदि मान लो कोई भी मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है ना वो पोल्स पे होता है, इसे ध्यान रखना, बीच में कम होता है, पर सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे होता है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। तो देखो ये चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में स्टडी करते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो कि क्या कर रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब भी हम मान लो कोई भी मैग्नेट को एक पेपर पे टुकड़े पर रखते हैं, देखो आपने समझा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी पेपर का टुकड़ा लेना, एक टेबल लेना, उस पे पेपर का मतलब जैसे कि आपकी शीट होती है उसको रखना, और एक बार मैग्नेट को रखना, और उस पर तो इसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो जो आपकी आयरन आयरन का जो चिप्स होती है ना, चिप्स छोटे छोटे टुकड़े आयरन के, जैसे कि अपन कोई भी चीज को रफ करते हैं तो क्या छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, वैसे आयरन के पीस जब इसके ऊपर हम डालते हैं तो इसमें एक पैटर्न बनता है, किस तरीके से, मतलब इसमें जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है ना ऐसे, वो क्या होता है नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे ऐसे दिखाई देता है, एक पैटर्न बन जाता है इसका, आयरन आयरन के जो पीस होते हैं ना उनका एक पैटर्न बन जाता है, किस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये किसकी वजह से होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये अब देखो जो मैग्नेटिक, तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट, ये आपके एग्जाम में भी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूज टू शो द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। मान लो ये मैग्नेटिक, ये आपकी मैग्नेट है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो क्या शो करेगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, जैसे कि मान लो कोई भी ये मैग्नेट है, तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, मान लो यहां तक जाएगी, तो यहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां तक इसकी मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रीजन इसके क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को, दिस इज द, और ये इमेजिनरी लाइन होती है, दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर यदि मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यदि हमें बनाना है प्रैक्टिकली, देखो इसका प्रैक्टिकल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं, हम एक बड़ी सी शीट लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक मैग्नेट को ऐसे रखते हैं, ये मैग्नेट को ऐसे रखा मैं बता रहा हूँ, और जैसे कि ये बार मैग्नेट लिया नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, और पेंसिल से एक शीट लो, एक बिल्कुल प्लेन टेबल लो, उस पर शीट को रखो और उसको पिन कर दो ताकि वो उड़े, मतलब इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करे, और क्या उस पर जो आपका बार मैग्नेट है उसके ऊपर उसकी बाउंड्री खींच दो पेंसिल से, इस तरीके से। ठीक है, अब कंपास होता है ना जो कि एक तरह से क्या होता है, स्मॉल मैग्नेट, तो जब आप उसको देखोगे तो यहां से नॉर्थ पोल से जब यहां कंपास रखना तो कैसे आएगी, तो यहां
जब वापस कंपास को रखोगे तो ऐसे तो एक एक लूप बनता है ऐसे, और जब आप देखोगे कि जो वो ऐसे लूप बनता जाता है ऐसे 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 लूप बनता जाता है ऐसे। पेंसिल से देखना मतलब जैसे कि मान लो मैं कंपास को यहाँ वो उसकी जो डिटेल्स होती है ऐसे डायरेक्शन देंगे, फिर यहाँ जब लूप उसको रखेंगे तो ऐसे नोट तो ऐसे वो डायरेक्शन देंगे आपको इस तरीके से, तो एक क्लोज लूप बनाती है बिल्कुल। ऐसे ऐसे लूप बनता है, आप प्रैक्टिकली कर सकते हो उसको, और आप बोलोगे मैं ठीक है इसकी भी वीडियो बनाना। इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, और ये दिखती नहीं है भाई, इमेजिनरी होती है, बट हम इसको उससे देख सकते हैं किससे, मैग्नेटिक कंपास से। चलो अब हमारी आती है सेकंड प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। देखो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी का मैं इधर बना रहा हूं, सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड की टू की मतलब सेकंड प्रॉपर्टी का डायग्राम बना रहा हूं। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है कि जो मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट जैसे कि मान लो नॉर्थ और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या बनाती है, एक क्लोज कर्व बनाती है, मतलब जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ ऐसे एक ये नॉर्थ ये ठीक है, मतलब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है ऐसे और कहां आके मिलती है, साउथ साउथ पोल पे। क्या नॉर्थ और साउथ पोल, ये नॉर्थ से निकल रही है और एक क्या बनाती है, और अंदर की तरफ क्या बनाती है, अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है लाइन, बाहर तो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी बट अंदर की तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। इस वजह से मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म, इस वजह से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है वहां पे यूनिफॉर्म ठीक है। तो ऐसे ये डायरेक्शन होती है ये ठीक है, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड की मतलब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में आके मिलती है ठीक है। ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज कर्व बनाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ये मैग्नेट के आउटसाइड के नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ पोल है हमारा, अंदर देखो साउथ टू नॉर्थ, ये देखो तो एक क्लोज लूप बनाती है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा क्या बनाएगी, एक क्लोज लूप बनाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्लोज लूप बनाती है, और इसकी जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, और यदि पूछा जाए कि वेयर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेट, तो मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है ऐसे। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, एंड इट इज वे क्लोज लूप, तो ये क्या बना रही, क्लोज लूप बना रही ठीक है। तो समझ में आ गया सेकंड प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, the tangent at any point on the magnetic field lines gives the direction of magnetic field line. तो magnetic field line जैसे कि मान लो ये magnet है, मैं ये property 3 third property का diagram है, मान लो ये हमारे पास बार magnet है north और south ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देखो सबसे पहले तो tangent क्या होता है, मान लो कोई भी मैंने circle बनाया, अब इस पे मान लो इसकी direction ये मतलब ये इस तरीके से सर्कल, तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करनी है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, तो ये मान लो मुझे इस पॉइंट जो टच करके लाइन मिल जाती है ना उसको बोला जाता है टेंजेंट। मान लो किसी भी सर्कल पे किसी भी सरफेस पे टच करके जो लाइन होगी
वो क्या होती है उसकी टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन क्या होगी इसकी नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे नॉर्थ से निकलेगी कहां तक मिलेगी इधर, ठीक है, और इनसाइड कहां पे होगी इनसाइड होगी साउथ। अब यदि मेरे को इस देखो इसमें डायरेक्शन कैसे नॉर्थ टू साउथ, अब यदि मुझे किसी भी पॉइंट पे यदि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगी, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा एक टेंजेंट डायरेक्शन टेंजेंट वाला पास करती हूं लाइन, और इस डायरेक्शन में क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी यहां, अब मान लो मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी तो ये इस पॉइंट पे ऐसे होगी, मान लो मेरे को इस पॉइंट पे फाइंड करनी तो ऐसे, मान लो मेरे को इस पॉइंट पे फाइंड करनी तो ऐसे, तो मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे भी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो मैं वहां पे क्या डालूंगा एक टेंजेंट, और वो मुझे क्या देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ऐसे टेंजेंट। तो हम किसी भी पॉइंट पर पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं किसके थ्रू टेंजेंट के थ्रू। तो ये हमारे थर्ड प्रॉपर्टी, सो द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल्स ऑफ द मैग्नेट कंपास इट इफ केप्ट एट दैट पॉइंट। तो मैंने वो बताया था ना, इसमें बताया था ना कि कंपास को रख के वो बना, तो मान लो मैं यदि इस पॉइंट पे कंपास को रख के बताऊंगा तो वो भी यही बताएगी, तो वो भी यही डायरेक्शन बताएगी, इसे ध्यान रखना। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे मेरे को उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा उस पर टेंजेंट डालूंगा। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी जो लाइन होगी उसके स्पर्श करती हुई उसको टच करती हुई जो लाइन होगी उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो वो क्या बता देंगे हमें उसकी डायरेक्शन की हमारी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि मैं ये प्रसाद के साथ मिटाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर टूगेदर क्राउडेड इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर वाइडली सेपरेटेड इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। देखो इसका मतलब क्या है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी ऐसे, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी मान लो ये ए पॉइंट मान लो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी पास पास होगी मतलब क्लोजर होगी एक दूसरे के, वहां पे क्या होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वहां पर मैग्नेट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, समझ गया। और मान लो बी पॉइंट यहां पर, तो यहां पर देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है पास पास है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ज्यादा होगा, और यहां पर क्या होता है दूर दूर है, तो इस वजह से देखो प्रॉपर्टी फोर है ना, प्रॉपर्टी नंबर फोर, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, क्यों क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, और यहां पे क्या होगी सेपरेटेड होगी मतलब यहां पे डेंसिटी कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होगा ए के कंपेयर में। अरे जैसे कि अभी मैं बात करूं नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द ये सरफेस ये, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, और जहां पर कम डेंस होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, क्यों इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये और ये, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्यों क्योंकि मान लो यदि इंटरसेक्ट करेगी तो मान लो इस जगह पे मैं कंपास को रखूंगा, देखो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि यदि मैं मैग्नेट यहां कंपास को रखूंगा
मान लो मैं यहाँ टेंजेंट डालूंगा तो मेरे को दो डायरेक्शन मिलेगी ना, और एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती, डायरेक्शन एक ही होगी। तो एक ही पॉइंट पर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई? बिकॉज देयर इज नॉट टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब इस एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो, समझ लो। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे ये, अब मान लो मेरे को अब यहां पर मान लो मैंने यहां टेंजेंट डाला तो डायरेक्शन ये बता रहा, अब इस डायरेक्शन पे टेंजेंट डालूंगा तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी ना, नहीं आई समझ? चलो देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ये, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ फायर। तो अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन डालूंगा तो ये ऐसे आ रही, और इस पे डालूंगा तो ये, अब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल गई ना, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन एक ही होगी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यदि इंटरसेक्ट करती तो एक पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये चीज ध्यान रखना, जैसे पास से गुजर जाएगी बट इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बाय इससे क्या होगा, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन का मिलना इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक आफ्टर ये सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लियर हो गई होगी, यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आपके डाउट लिख सकते हो, और एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दो बार देख लेना, आई थिंक फिर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।